नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप दूसरे राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंस गए हैं, सरकार ने जो स्पेशल ट्रेन चलाई है उसमें आप सफर करके अपने घर आना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप चंडीगढ़ में फंसे हैं तो किस तरह से आप उत्तर प्रदेश फैजाबाद जिले के लिए जा सकते हैं। ये वीडियो सब्सक्राइबर के डिमांड पर बनाई गई है। अगर आप भी दूसरे स्टेट में फंसे हैं तो आप अपने स्टेट का नाम लिखकर हमें कमेंट करेंगे, हम आपके स्टेट के लिए भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ देख पाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है जन सुनवाई समाधान। यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन है, अगर आप उत्तर प्रदेश में फंसे, अगर आप किसी और स्टेट के रहने वाले हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भर के अपने स्टेट जा सकते हैं। अगर आप अन्य स्टेट में फंसे हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें बताना है कि आप चंडीगढ़ से उत्तर प्रदेश फैजाबाद जिले के लिए किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, तो इसके लिए हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यानी दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ये कैप्चर कोड यहाँ फिल करेंगे, ओटीपी भेजे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा, आपका मोबाइल नंबर चालू कंडीशन में होना चाहिए। ओटीपी नंबर यहाँ फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा, इस फॉर्म को आपको भरना है। आप देखेंगे जिससे अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आने के लिए आवेदन, अगर आप दूसरे राज्यों में फंसे हैं, दूसरे स्टेट में फंसे हैं, तो आप इस फॉर्म को भर के आप उत्तर प्रदेश किसी भी जिले में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल जानकारी भरनी है, जैसे कि आप किस श्रेणी में आते हैं, आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आप माइग्रेंट वर्कर हैं, स्टूडेंट हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, आप जो भी हैं यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ से आप अपनी एज लिखेंगे। इस फॉर्म को भरते समय आप ध्यान रखें, जिस जगह पर भी ये रेड कलर का स्टार बना हुआ है उसे फिल करना जरूरी है। यहाँ पे आप मेल है या फीमेल है उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं आता है तो आप यहाँ फिल कर देंगे। यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी जरूरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो इसे खाली छोड़ देंगे। यहाँ से आपको अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास अभी आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, लेकिन अगर आप दूसरा कोई डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं तो उसका यहाँ नंबर डालेंगे। यहाँ से आप टिक करेंगे। यहाँ से आपको बताना है किस तरह से यात्रा करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई पर्सनल गाड़ी है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सरकार द्वारा चलाई गई किसी भी साधन से जाना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपके पास कोई पर्सनल गाड़ी है उससे जाना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको बताना है आपके पास कौन सी गाड़ी है, यानी टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, टैक्सी है, या आपके पास कौन सी गाड़ी यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से गाड़ी का नंबर डालेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई पर्सनल गाड़ी नहीं है, सरकार द्वारा चलाई गई किसी भी साधन से जाना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको किसी भी गाड़ी का नंबर या फिर गाड़ी का मॉडल नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ आपको बताना है कि आपको या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को सर्दी, खांसी, बुखार से संबंधित कोई लक्षण है, इनमें से कोई लक्षण है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ कि आपको या फिर आपके परिवार को हाल ही दिनों में 14 दिनों के लिए अधिकारियों द्वारा क्वारंटाइन किया गया है या नहीं। अगर आपको क्वारंटाइन किया गया है तो यस करेंगे। तारीख से किस तारीख तक क्वारंटाइन किया गया है वो तारीख डालेंगे। अगर आपको अभी तक क्वारंटाइन नहीं किया गया है तो नो पे टिक करेंगे, तो आपको तारीख डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको वो पता डालना है जिस पते पर आप फंसे हुए हैं, जैसे कि आप किस स्टेट में फंसे हुए वो स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आपको बताना है आप चंडीगढ़ में किस जिले में फंसे हैं, वो जिला यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से चंडीगढ़ का पूरा पता डालेंगे, जिस पते पर आप फंसे हुए हैं पूरा पता हाउस नंबर और पिन कोड के साथ लिखेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि आप उत्तर प्रदेश में किस पते पर जाना चाहते हैं, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे, अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो नगरीय सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको फैजाबाद जाना है जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया, इसलिए हम यहाँ से अयोध्या सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप तहसील सेलेक्ट करेंगे, किस तहसील में आपको जाना है। यहाँ से आपको विकास खंड सेलेक्ट करना है, किस विकास खंड में आपको जाना है। यहाँ से आपको ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप अपने गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना पूरा पता डालेंगे, पूरा पता हाउस नंबर पिन कोड के साथ डालेंगे। जैसे कि आप किसी शहर में रहते हैं तो अर्बन यानी नगरीय सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपने शहर या फिर नगर का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपना वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे, आप किस वार्ड में रहते हैं। यहाँ से आपको पूरा पता लिखना है जिस पते पर आपको जाना है।
आप अपना पूरा पता, पिन कोड और हाउस नंबर के साथ लिखेंगे। यहाँ पर आपको किसी अपने फैमिली मेंबर का नाम लिखना है, जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर आपके फैमिली मेंबर अगर कोई है तो वहाँ का नाम लिखेंगे। जैसे फैमिली मेंबर में से किसी के भी नाम लिख सकते हैं, भाई या फिर पिता, फैमिली मेंबर में से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ आपको तीन ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर टिक करने हैं, लेकिन ध्यान रखें टिक करने से पहले इसे आप जरूर पढ़ लें। जैसे कि लिखा है कि मुझे जानकारी है कि जब मैं उत्तर प्रदेश पहुंचूंगा तो मुझे अवश्य क्वारंटीन में रहना पड़ सकता है। दूसरे ऑप्शन में है, मैंने अपने शहर जनपद के किसी कंटेनमेंट जोन में पिछले 2 माह से निवास नहीं किया है। तीसरे ऑप्शन में आता है कि मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सटीक है और मेरे ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध महामारी अधिनियम अथवा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आप यहां तीनों जगह टिक करेंगे और संदर्भ सुरक्षित करें इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इस फॉर्म को भरते समय जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया उस पे फोन आएगा, उस पे मैसेज आएगा, आपसे सारी जानकारी ली जाएगी या उसके बाद आपकी सुविधा अनुसार आपके राज्य आपके स्टेट के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म भर के आप अपने घर पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया कि अगर आप चंडीगढ़ में फंसे हैं तो किस तरह से आप उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले में किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर के जा सकते हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप देहरादून में फंसे हैं तो किस तरह से आप अयोध्या के लिए जा सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।